Okay. Good afternoon, everybody. Today we are going to discuss about the methods of fishing. Good afternoon. Methods of fishing, fishing gears and crafts. इस पे आज हम लोग बात करेंगे. तो बात अगर हम करें फिशिंग गियर्स क्या है, फिशिंग क्राफ्ट क्या है, तो अगर बात करेंगे जो भी चीज हम फिशिंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे नाव है हमारा, राफ्ट है हमारा, कोई भी चीज जिससे हम यूज करते हैं, और वो हमारा फिशिंग गियर्स होता है. और क्राफ्ट वो कहलाते हैं जिससे हम फिश को पकड़ते हैं, यानी कि जो जाल है हमारा, जो या फिर बंसी है हमारा या कुछ भी, वो हमारा क्राफ्ट कहलाता है. तो हम बेसिकली उसी के कौन कौन से मेथड क्या क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस एनवायरमेंट में किस तरह से यूज करते हैं, आज पूरी कंप्लीट उसी पे हम लोग का पूरा डिस्कशन चलेगा. तो जस्ट मैं आप लोगों के सामने स्लाइड शेयर करता हूँ, स्लाइड शेयर के थ्रू हम लोग जो है वो देखते चलते हैं. नाउ द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर. ठीक है, तो क्या क्राफ्ट है और कौन से गियर है, उसी पे हम लोग बेसिकली आज पूरी की पूरी चर्चा करेंगे. हम अगर बात करें तो फिशिंग के जो क्राफ्ट और गियर्स होते हैं, वो बेसिकली हम बात करें तो ये कन्वेंशनल ग्रुप जो है उसको दो ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं. एक तो हम जो मैराइन फिशरी में जो क्राफ्ट और गियर को यूज करते हैं, दूसरा इनलैंड फिशरी. मैराइन फिशरी कहने का मतलब समुद्र में जहां बहुत बड़ा स्पेस है वहां पे फिशिंग के क्राफ्ट और फिशिंग के गियर्स थोड़े अलग होते हैं. और जहां पर इनलैंड फिशरी यानी कि धरती के ऊपर जहां भी वाटर रिसोर्सेज है, यानी कि रिवर में, पॉन्ड में, या आपके जो छोटे छोटे तालाब बनाते हैं, उनके अंदर जो है फिशिंग के तरीका और फिशिंग के क्राफ्ट और फिशिंग के गियर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो दोनों में डिफरेंस. तो बेसिकली हमारे पास कितने तरह के, अगर हम कन्वेंशनली ग्रुप करें तो दो ग्रुप में आते हैं, एक मैराइन फिशिंग के आपके क्राफ्ट एंड गियर्स, और दूसरे आते हैं इनलैंड फिशिंग के क्राफ्ट एंड गियर. बात करते हैं मैराइन फिशरीज के क्राफ्ट एंड गियर की. तो अगर हम बात कर लें इस पे कि मैराइन फिशरीज में कौन से आते हैं, तो देख लीजिए क्राफ्ट और बोट्स. जो क्राफ्ट जो है उसे हम या फिर बोट्स कह लें या नाव कह लें. यूज इन इंडियन सी आर मेनली टाइप्स सच एज कैटामारंस, मसाला बोट्स, डेंगी, नौकू या टाइटिकोरिनस बोट, कोरिन बोट. ये इस तरह के बोट सारे के सारे यूज किए जाते हैं. जो हमारा इंडियन फिशरीज जो है, इंडिया का जो मैराइन, यानी कि हमारे भारत के जो सटे हुए कोस्टल एरिया जितने भी हैं, जो भी हमारा समुद्री एरिया है, उन समुद्री एरियाओं में, उन समुद्रों में, यानी हमारे जो मैराइन फिशरी के जो भी हमारे जो सोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं. अब ये कैटामारन ये है क्या, ये जो कैटामारन बोट है ये है क्या? तो दिस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस वुडन लॉग्स टाइड टूगेदर. जनरली आपके देखते हैं कि नाव बनते किससे, लकड़ी के ही बनते हैं, बहुत सारे ऊंट के लकड़ी के जो है वो तख्ते के उसका जोड़ा जाता है. और उस तरह से द लॉग आर अरेंज्ड इन अ सच वे दैट द इनसाइड सेंटर देयर इज अ शैलो डिप्रेशन. ऐसा बनाते हैं कि इनसाइड बीच में शैलो डिप्रेशन, एक गहरा डिप्रेशन बने. नाव का तो वही आकार होता है, शैलो डिप्रेशन वहां पे होता है. विच इज यूज फॉर स्टॉकिंग द कॉट फिश एज मैन्युवरिंग स्पेस बाई फिशरमैन. क्या किया जाता है, उतना बड़ा स्पेस इसलिए रखा जाता है सो दैट कि उसके अंदर में जो हम मछली पकड़ेंगे समुद्र से उसको उसमें हम कैच करके रख सके. पकड़ तो लें हम लोग, नाव से पकड़ तो लें, बोट तो हमारे पास हो, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस ना होगा तो उसे रखेंगे कहाँ समुद्र के बीच में. तो रखने के लिए हम ये बहुत बड़ा कैटामारन बोट्स बनाते हैं जिसमें कि बहुत शैलो डीप साइज इंप्रेशन होता है, उसमें हम लोग सारी चीजों को रखते चले जाते हैं. उसका जो फ्रंट एंड होता है, द फ्रंट एंड ऑफ दिस कार्ट इज कट स्ट्रेट स्ट्रिंगली टू रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस. कैसे काट करते हैं आप, एकदम स्ट्रेटली. उसका जो फ्रंट एंड होता है बिल्कुल ऐसे कोन बनाते हैं सो दैट कि वो पानी को अच्छे से काट सके. और एंड जो होता है, लास्ट एंड, वो आपका थोड़ा आपका एज्ड होता है, वो सॉफ्ट एज नहीं होता, वहां एज होता है. इससे क्या होता है कि आपका एक साइड डायरेक्शन में बहुत तेजी से आप बड़े आराम से आप बोर्ड को मूव भी करते हैं, और दूसरा जो चूंकि चौड़ा सा स्पेस रहेगा तो वहां पर क्या होगा कि आपको फिश के रखने के लिए जगह बचेगी. और ये आपका विंड साल इज यूज फॉर स्ट्रीमिंग. इसके ऊपर आप लोग विंड का जो है पाल, जिसको देखते हैं ना रस्सी में पाल लगाते हैं, नावों में पाल लगाते हैं, जो कि रस्सियों से बांध कर ऐसे पाल की तरह लगाते हैं तिरछा करके, उससे क्या होता है उसमें हवा लगती है और पानी, मतलब समुद्र में हवा बहुत तेज चलती है, तो आपको हवा के डायरेक्शन में चलना है या जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस पाल को हम लोग मूव कराते रहते हैं विंड साल को, और हम लोग उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. यानी बहुत कम इफोर्ट से हम लोग आसानी से वहां पर मूव कर पाते हैं. अब ये कैटामारन जो है, ये हमारा जो है ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का फिशिंग, शुरू से ही बहुत एंशियंट एज से ही इस तरह के यूज किए जाते हैं. और नॉर्मली आपके क्या होते हैं, एक से दो फिशरमैन जो है इसको करते हैं, आप यूज करते हैं. हाँ हेलो, या यू ऑल आर देयर?
ओके ओके आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। दूसरा तरह का जो बोट है हमारा वो है आपका मसाला बोट। ये जो आपके बोट्स आते हैं मसाला बोट्स, ये लंबे लंबे बोट्स होते हैं, 9 मीटर लंबे तक बड़े लंबे लंबे बोट्स होते हैं। ये भी बहुत बड़ा बोट है तो यूज ऑब्वियसली आप नदी में, छोटे नदियों में या फिर बहुत छोटी जगह में यूज नहीं कर सकते। ये भी कहा मेरा इन फिशरी में यूज होते हैं। मेड अप ऑफ प्लैंक स्टोन आर्टिस्टिकली टुगेदर टू क्वायर रोप। इसको करते हैं आप रस्सी से बांध बांध कर। आप जनरली इस चीज को, इसको जो है बड़े लंबे लंबे बोट, आप जब ओनम का त्योहार होता है तो केरल में बहुत लोगों को चलाते हुए देखते हैं, बहुत लोग ये सब मिल के चलाते हैं बहुत तेजी से। वो जो होता है दैट इज ये मसाला बोट होते हैं। और इसका यूज जो होता है वो कम आपको कोरोमंडल रीजन, कोरोमंडल आपका क्षेत्र है नीचे का, उस एरिया में आप लोग बड़े आराम से उस एरिया में ये सब कोरोमंडल रीजन में किए जाते हैं। और बात कर okay, there is some problem. ओके सबको मेरी आवाज जा रही है? जस्ट रेज योर हैंड, आपको सबको आवाज जा रही है? ओके ओके तो दूसरा जो आपका है वो कोरोमंडल रीजन में ये यूज होता है बोट का। और ये बेसिकली आपके कोरोमंडल रीजन में जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में उसके अलावा आपके जो है और मतलब ओणम वगैरह में उड़ीसा में ये सब सारे तरह के बोट यूज किए जाते हैं। तीसरा तरह का जो आपका जो बोट है, आपका थर्ड टाइप ऑफ बोट, वो होता है आपका नौका या डिंगी। हेलो यू ऑल आर देयर? यस सर। ओके तो हम मैं बात कर रहा था कि तीसरी तरह का जो बोट है हमारे पास वो हमारा नौका या डेंगी। आपने इसको देखा भी है, बहुत ज्यादा नौका छोटे छोटे जो है आपके जो है, और कुछ बड़े भी और छोटे भी, यानी कि 13 मीटर लंबे से लेकर 3 मीटर और 2 मीटर तक के भी, 2 मीटर हाइट का और विड्थ का ये सब नौका, बड़े बड़े नौका, और बहुत ज्यादा कर्व होते हैं नीचे की ओर, बहुत कर्व होते हैं। ये वेस्ट बंगाल में आपके ये यूज किए जाते हैं बहुत। ये डेंगी इसको भी बोलते हैं, वहां पर डेंगी बोला जाता है वेस्ट बंगाल में बहुत आराम से, वेस्ट बंगाल की खाड़ियों में इसको। और चौथा तरह का आपका जो बोट होता है वो है टॉर्टिकोरियन। ये टॉर्टिकोरियंस जो है ये बोट, ये भी कर्व मॉडल होते हैं, 11 मीटर लंबा, 2 मीटर इसका चौड़ाई, और इसका विड्थ जो होता है 1 मीटर होता है। और ये जो होता है आई शोर वाटर, जो कि बहुत ही छिछला पानी होता है, मदरशिप जहाँ पे कार्गो के लिए आप यूज करते हैं, छिछले पानी में उस जगह पे इसको लेने के लिए यूज करते हैं बोट्स को। तो ये दिस टाइप ऑफ बोट्स। और एक जो आपका जो है बोट वो होता है, वो एक होता है डिग आउट कैनॉन्स। अब ये डिग आउट कैनॉन्स जो होते हैं, डग आउट कैनॉन्स, ये कैनॉन्स जो होते हैं बेसिकली आप इसको जो है वो सिंगल उड के एक ही लकड़ी का बना होता है। अभी जब आगे आप एक फिगर देखते हैं, उस फिगर में सारे के सारे बोर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप उसमें सारे के सारे एक ही बहुत मोटी लकड़ी का जो है वो लकड़ी का ट्विंग लिया जाता है, वो तना लिया जाएगा और उसको छील कर बीच से खोखला हटा दिया जाएगा। तो क्या होगा, इस तरह से नौका की तरह आकार बन जाएगा और बस उसी एक ही लकड़ी का बना होता है, यानी उसमें बहुत सारे लकड़ी जुड़कर नहीं बनते हैं, तो उसको हम लोग डगआउट कैनॉन्स बोलते हैं। आप इस फिगर में आप सभी देख पाएंगे, देखिए ये फिगर आपके पास है, ये फिगर आपको क्लियरली बता रहा है। देखिए ऊपर में कटामारन, इसमें देखिए एक साइड में बिल्कुल ही आगे की ओर क्या है नौका तिरछा बना हुआ है और पीछे की ओर थोड़ा चौड़ा है, और ये बड़े आराम से ये चल सकता है। देखिए इसका साइड भी यहाँ पर देख दिया गया है ना। देखिए मसाला बोट्स, ये बहुत गहरे डीप वाले बोट होते हैं, ये रामपानी बोट है, ये डेंगी है, देखिए इस जगह पे डेंगी दिखाया गया है। और डगआउट देखिए, डगआउट बोट एक ही, डगआउट कैनॉन्स जो है एक ही,
हेलो हेलो, आप लोग सब सुन पा रहे हो? जी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आजकल बारिश जो हुई है ना काफी तेज, उसके बाद से जो नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है इसी कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि इंटरनेट के सारे बोर्ड्स। ओके, अभी आपको अभी सबके स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है बोर्ड का? हेलो संध्या, हेलो हेलो, सभी सुन पा रहे हो? जी जी सर, बोलिए। सुन जी सर। जी 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 स्क्रीन पे दिख रहा हूँ मैं अब? यस सर। ओके, जस्ट मैं फिर से स्लाइड आपको शेयर करता हूँ, उस पर आप लोग फिगर को देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए फिगर दिख रहा है क्लियरली? जी सर। आप इसमें देखिए सबसे पहले काटामारन बोट है, काटामारन बोट देखिए आगे की ओर, देखिए जहां से एरो दिख रहा है आगे की ओर, यहां पर दो लोग इसको आराम से चला सकते हैं और आगे बहुत तेजी से इसे जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोकीला है, नोका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कटा हुआ सा भाग है, यहाँ पे सारा सामान रखने के लिए यूज करते हैं। जब आप डगआउट कैनन को देखेंगे, देखिए एक ही लकड़ी का बना हुआ है पूरा, एक ही लकड़ी के पूरे बने हुए हैं, इसमें दो दो तीन चार लकड़ियां नहीं जोड़े जाते, इसे ये डगआउट कैनन है। मसौला बोट्स देख लीजिए, ये आपका मसौला बोट्स, ये भी गहरा बनता है और इस तरह से, और ये डेंगी या फिर आप इसको नौका कहते हैं, ये इस तरह के बोट्स जो होते हैं ये आपके वेस्ट बंगाल वगैरह यूज में, कोस्टल रीजन में वेस्ट बंगाल में यूज किए जाते हैं। और इसमें डामपानी बोट्स है, ये भी आपके जो है आपके बहुत जो है आपके इस एरिया में जो है कोस्टल रीजन में, जहाँ पे आपका कोरोमंडल का रीजन है उस एरिया में यूज किया जाता है। तो ये टोटल जो है आपके ये क्राफ्ट है, ये इस तरह के क्राफ्ट है जिसमें कि आप क्या यूज करते हो बेसिकली बोट्स के लिए, इन सबको यूज करते हो बोट की तरह यूज करते हो, यानी कि ये क्राफ्ट जो जिसको हम लोग कह सके तो एक तरह से बोट, यानी जिसके थ्रू हम जाकर मछलियों के पास या मछली के सोर्स में, क्योंकि आप पैदल तो जा नहीं सकते उसमें आराम से घूमने समुद्र के अंदर, तो किस चीज से आप जाओगे मछलियों को पकड़ने, वो चीज आपका क्या कहलाएगा? क्राफ्ट कहलाएगा। और इन सब तरह के बोट्स को आप यूज करते हो वहां पे। उसके अलावा भी अगर बात करें तो कुछ और तरह के बोट्स होते हैं, जैसे मछुआ बोट्स, मछुआरा का जो बोट्स होता है वो मछुआ बोट्स बेसिकली हम लोग कहते हैं मछुआ बोट्स उसको। और ये भी जो बोट्स होते हैं ये हाईली इवॉल्व होते हैं इनकी क्राफ्ट के लिए, बहुत ज्यादा आप जो है लोकल टाइप में भी आप देखते हो, और ये जो है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं आपके बेसिन केरियन में, जहां पर कि आपका एक छिछला सा भाग बन रहा है, एक बेसिन जैसा हिस्सा बन रहा है, उस जगह आपके ये यूज किए जाते हैं। किस चीज के लिए? मछलियों को पकड़ने के लिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं सतपति और दलपति है मीडियम पॉइंटेड बो, इसको जो हम क्या करते हैं पॉइंटेड बो लेते हैं, धनुष वो यानी कि आपका ये तीर, वो तीर जो है वो यूज करते हैं किस चीज के लिए, उसमें धागा बंधा हुआ रहता है। बड़ी बड़ी मछलियों को बोट से आप सीधे चलते हैं उसको मार देते हैं और वो धीरे धीरे वो लेके भागती जाती है, रस्सी छोड़ते जाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं आप उसको कैच करके पकड़ लेते हैं। मछुआ बोट्स के थ्रू ये सारे काम किए जाते हैं, तो वहां पे ये सारा का काम ये कोस्टल एरिया में जो कोस्ट पे होंगे ये, यानी कि आप जान जाइए कि बॉम्बे कम्बे जो है कोस्टल साइड से जो भी आपका जो भी नाव क्राफ्ट या जो भी चीज जो से आप, आज के डेट में सिप भी बहुत बड़े बड़े सिप यूज किए जाते हैं एडवांस रूप में, मोटर बोट यूज किए जाते हैं, दीज ऑल आर क्राफ्ट, दीज ऑल आर क्राफ्ट विच इज यूज फॉर फिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जो पकड़ने के लिए हम जाते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं कि मैराइन फिशरी के गियर,
दैट मींस की गियर्स की हम लोग अभी मैराइन फिशरी के क्राफ्ट को देख लिए थे, अब गियर्स की बात करते हैं। गियर्स में हमारे पास जो है यानी कि किससे पकड़ेंगे, कौन सा औजार क्या होगा हमारा, जाल किस किस तरह के होंगे, कौन कौन से जाल होंगे, तो वो हमारे जो है गियर्स कहलाएंगे। तो द इक्विपमेंट यूज्ड टू इफेक्टिवली कलेक्ट फिश फ्रॉम वाटर बॉडी इज कॉल्ड फिश गियर और फिश नेट, इसी को हम लोग फिश नेट भी कहते हैं। मेनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिशिंग एंड टाइप्स ऑफ गियर फॉर कमर्शियल कलेक्शन ऑफ फिशेज हैव इमर्ज्ड ओवर सेंचुरीज। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये हमारे इमर्ज होते चले जा रहे हैं सारे के सारे फिशिंग गियर्स और पढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे फिशिंग गियर्स आज के डेट में हमारे पास मौजूद हो चुके हैं धीरे धीरे करके। अब नेक्स्ट आगे आएगा हमारे अगले स्लाइड में वो सारे के सारे। और अगर हम बात करें नेट को तो किसे कहते हैं कि नेट इज बेसिकली अ पीस ऑफ वेबिंग। नेट क्या है हमारा, पीस ऑफ वेबिंग है यानी कि जाल नुमा कपड़े का एक टुकड़ा है इन विच द ट्विंग्स आर इंसर्टेड इनटू रेगुलर मेस गिवन अ सर्टेन फॉर्म। उसमें क्या करते हैं अलग अलग धागे की तरह या फिर कुछ ट्विंग्स या कुछ भारी चीज बांध बांध कर और एक पीस के रूप में एक आकार देते हैं जो कि कैच करने के लिए फिश को बने। देखा होगा आपने मछुआरों के जाल में नीचे में पत्थर का बहुत सारा चीज लगा रहता है, ट्विंग्स लगे रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो भारी से सेटल डाउन करेगा तो उसके बीच में जाके क्या फंस जाएंगी, मछलियां फंसेंगी, तो उनको मिलाकर हम लोग बनाते हैं उसी चीज को ये कहता है। द फिशिंग ट्विंग्स आर मेड अप ऑफ एनी थिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट, कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, फ्लैक्स हो सकता है, फ्लैक्स हैम्प हो सकता है, या सिंथेटिक मटेरियल नायलॉन और कैप्रॉन का भी बनता है आज के डेट में, जाल से भी बनते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ट्विंग्स देयर मे बी अ नॉट और सिंपल इंटरलेसिंग। क्या करते हैं आप, सिंपल इंटरलेसिंग कर देते हैं एक दूसरे का, लैस लैस करते हैं ना, इंटरलॉकिंग लैस, कपड़ों में आप लैसिंग करते हैं, लैस लगाते हैं, तो क्या करते हैं जहां दो कपड़े जुड़ते हैं या दो जाल जुड़ेंगे उस जगह पे आप लैस चढ़ा देते हैं, उसको आप सी देते हैं, उससे क्या होगा कि उससे फिशेज भाग कर नहीं निकलेंगी। तो ये सारे काम बेसिक नेचर का चीज है, ये सारा चीज आप सब कुछ जानते हो, सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेस साइज जो है वो हमें टाइप पे रखना पड़ता है कि हमें किस चीज का, अगर मान लो कि हमने बहुत बड़ा बड़ा जाल का मेस साइज इतना बड़ा बड़ा छेद रखा है तो छोटी मछली तो उससे निकल के भाग जाएंगी लेकिन बड़ी मछली नहीं निकल पाएंगी। अगर मुझे सिर्फ बड़ी मछली पकड़नी है तो हम उस तरह का जाल यूज करेंगे, सिर्फ बड़ी मछली पकड़ी जाएंगी। अगर हमें छोटी मछली का यूज करना है तो छोटे छोटे मेस साइज यानी जितने छेद छोटे छोटे उसको यूज करना पड़ेगा, और इस तरह से हम लोग उसका डेवलपमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से एसेसरीज जो हम लोग उसके साथ उसको यूज करते हैं, तो देखिए यूज इसके क्या क्या करते हैं हम लोग, रोप्स और केबल। बिना रस्सी के आप उस जाल को फेंक कर फिर खींच कैसे पाएंगे, रस्सी आपका यूज करते हैं। स्टैक आप उसमें और क्या यूज करते हैं, स्टैकिंग के लिए किसी चीज को, जैसे कि आप मारते हैं वो से तो उसमें भी स्टैक, यानी कि उसके नीचे जो आप लगते हैं सारे लोहे के वो जो जाल के नीचे जो आप लगाते हैं पत्थर का जो वो सारे स्टैक्स वो यूज होते हैं। फ्लोट्स कभी कभी आप क्या करते हैं, तैरने वाले देखे बंसी में आप लगाते हैं तो एक फ्लोट्स लगाते हैं भाई, वो बंसी के ऊपर तैरता रहता है नीचे पानी और जैसे ही वो खींचता है तो नीचे की ओर डूबता है और तो आपको पता चलता है कि कोई खा रहा है, आप खींच के उसको पकड़ लेते हैं, तो वो आप फ्लोट्स यूज करते हैं। सिंकर और वेट्स, सिंकर यानी डुबाने वाले और वेट्स वही आपके किसके पत्थर के वो जो है टुकड़े या फिर लोहा का टुकड़ा उसको यूज करते हैं सो दैट उस जाल को लेके डुबाए नीचे, तभी तो उस जाल में मछलियां फंसेंगी और एक जगह से मिट के आ जाएंगी। उसके बाद सिंबल्स, उसके बाद सिवेल्स, सेकल्स, ग्लेब्स, स्नोड्स एंड रीइंफोर्समेंट रोप। आप रीइंफोर्समेंट के लिए, रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कि अगर कोई डूबने लगे तो आपको पकड़ने के लिए उसमें जाल में रहना चाहिए उस जगह पे, कहीं गिर जाए फिशरमैन तो उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। वेबिंग के लिए यानी कि आप उसको नेट को फेंकने के लिए, वेब करने के लिए, उसके लिए आपके पास रस्सी होनी चाहिए। और आज के डेट में इन सब के अलावे हैंड ग्लव्स, सो दैट कि अगर ऐसी फिश पकड़ी गई जो कि उसके कांटे हैं ऐसे बाहर की ओर निकले हुए जो कि आपके हाथ को छेद सकता है, तो हार्ड हैंड हैंड ग्लव्स जो कि चमड़े का होगा, वो सब सारी चीजें। बूट आपका बेहतरीन अच्छा सा होना चाहिए क्योंकि आप दलदल में कहीं उतर जाओ, कहीं पे गलती से उतरना पड़े तो कोई सार्क या कुछ भी होगा या कुछ भी ऐसा चीज जिससे कट पैर जाए, तो उसके लिए ये सारे आप जो है आप गियर्स जो है ये मैराइन फिशरी में बेसिकली यूज करते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं एक बार हम लोग ये जो हमने देखा है इन सब में से कुछ नेट्स की, तो जो मेन टाइप के जो आपके पास देख लीजिए, आपके पास एक सामने दिख रहा होगा एक बहुत ही पिकुलियर टाइप का बैग नेट, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है
ये बैग नेट यूज करते हैं आप, ये बास्केट नेट या बैग नेट कहते हैं, ये बड़े आराम से आप जब छोटी 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 जगहों पर जो है सीधे सामने दिख रहा है फिश उठाने के लिए पकड़ने के लिए आप इसका यूज करते हैं। या फिर डीप नेट, देखिए बहुत गहरा है नीचे तक है कोई चीज, तो डीप करने के लिए डीप नेट आपका यूज करते हैं, बहुत नीचे से आप खींच के उसको ऊपर कर लेते हैं, उसमें लंबा हैंडल होता है थोड़ा ज्यादा ही लंबा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आपका कास्टिंग नेट है जो कि थ्रो नेट करते हैं। देखिए ये नेट आपने जो कास्टिंग नेट जब देख रहे होंगे ये आपने बहुतों जगह देखा है, किसको आप मछुआरे के पास देखा है जिसको कि एक गोल सा छत्ते नुमा होता है, एक बार देखते हैं नचाकर और बाद में उसको समेट के एक जगह खींच लेते हैं, तो ये देखते हैं। उसके अलावा ये ट्रैप नेट्स हैं जो कि ट्रैप करते हैं, किसी एक जगह लगा दिया और उसमें मछली आती गई, पानी बाहर निकल गया, मछली उसमें फंसती चली गई। देख लीजिए इसमें भी ट्रैप नेट्स में इस समय क्या है, एक बहुत बड़ा सा स्पेस है और यहाँ आके मुंह छोटा सा हो जा रहा है, क्या होगा मछलियां उधर से तो इसमें आएंगी अंदर घुस जाएंगी लेकिन इधर बाहर जाने के लिए इसमें फंसेंगी तो ट्रैप कर ली जाएंगी। तो ये ट्रैप नेट ये सब यूज किए जाते हैं मेरा फिशरी के अंदर में बहुत सारे जगह पर। उसके अलावा हम देखते हैं ये है गिल नेट या इंटेंगल नेट, ये भी यूज किया जाता है। गिल नेट से आप क्या करते हैं, जो उस गिल का जो गलफड़ा होता है जो यहाँ पर ऊपरकुलम होता है वो फंसता है, यानी इसके मेस साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इसको इस तरह से देखिए कैसे पानी के ऊपर अरेंज कर दिए आप, इसमें फेंके और एक साइड से यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है तो आप खींचते जा रहे हैं पत्थर सारे एक जगह, वो क्या रखेगा और ऊपर में फ्लोटर लगा हुआ है नीचे में पत्थर लगा हुआ है सिंकर, तो फ्लोटर ऊपर की ओर रखेगा और सिंकर नीचे की ओर रखेगा और जब खींचते चले जाएंगे तो उसके बीच में सारी मछलियां फंसती चली जाएंगी। या फिर आप देख लीजिए ड्रैगिंग नेट है, आप इसको सीधे पानी में डाल देते हैं नीचे, सबसे नीचे जो फिर देखिए टिप पे आपका लगा हुआ है ड्रैगिंग नेट, दो बड़े बड़े इससे लगे हुए हैं और एक जाल सा बनता जा रहा है, ये ड्रैग करते आप जमीन से चल रहे हैं, जो जो नीचे में पड़ती जाएगी मछलियां इनके बीच में वो पकड़ते चले जाएंगे, तो ये ड्रैगिंग नेट है। उसके अलावा हम बात करें तो सीव्स और आपका फिल्टरिंग नेट, देख लीजिए फिल्टरिंग नेट्स को पकड़ कर कितने सारे लोग खड़े हैं, बहुत दूर में फैला देते हैं और खींच कर उनको जो है सारे लोग मिलकर लाते हैं और एक तरह से फिल्टर कर लेते हैं पर्टिकुलर उस एरिया को और उसमें जितने भी मछलियां होती हैं उनको आप पकड़ लेते हैं, तो ये फिशिंग नेट आप फिल्टर नेट का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली बहुत बड़े बड़े टाइप के जाल छोटे मिलाकर सब तरह के, ये आपके कहाँ यूज किए जाते हैं मेराइन फिशरी में। तो ये सारा एस्पेक्ट है एक मेराइन फिशरी का। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद आपके पास जो दूसरा तरह का जो इनलैंड फिशरीज का कियर और ट्राफर कियर है, इनलैंड फिशरी जो कि कहाँ पे इनलैंड यानी धरती के ऊपर, यानी कि ये तो समुद्र में था, धरती के ऊपर कौन कौन सी चीज मिलेंगी वाटर बॉडीज, हमारा लेक मिलेगा, रिवर मिलेगा, पॉन्ड मिलेगा, छोटे छोटे तालाब मिलेंगे, तो उन जगहों पर क्योंकि उन जगहों पर आप बहुत बड़ा जो है ये स्कीप को बहुत बड़ा ये चीज तो उतार नहीं सकते हैं, तो वहां आप यूज क्या क्या करते हैं देख लीजिए। जो पहला यूज करते हैं वो होता है राफ्ट। राफ्ट कैसे, आपने देखा ना केले का थमका जो बना देते हैं जिसको तैरता रहता है उसके ऊपर चलते हैं, दैट इज राफ्ट। वो क्या कहलाता है राफ्ट, वो बांस का भी बनता है इसका भी, तो आप छोटे छोटे जगहों पर उसको बनाकर उसमें तैर के आराम से जाके पकड़ लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका राफ्ट। गंगा वगैरह में ये चीज बहुत यूज किया जाता है, बैम्बू का राफ्ट बनाते हैं, केले का थमका राफ्ट बनाते हैं, तो इस तरह का राफ्ट जो आप कावेरी रिवर, त्रिची रिवर, मतलब तो बहुत जगह पर। और उसका एग्जाम्पल देखिए, ये आदमी बहुत आराम से देखिए कैसे राफ्ट पे आराम से नदी को पार कर रहा है या फिर फिशिंग के लिए जा सकता है। राफ्ट देख रहे हैं आप, फिगर में राफ्ट दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली, तो दिस इज राफ्ट। सेकेंड वन आपका बोट्स, बहुत सारे बोट्स आपने जो बहुत सारे बोट्स ऊपर देखा है उनमें से जो छोटे छोटे बोट्स है जो डेंगी वगैरह है ये सब तो यहाँ भी यूज किया जाता है आपके। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे नौका, चंडी और उसके बाद वो गोल वाली नौका, ये सारे सारे यूज किए जाते हैं आपके कहाँ पर, इस एरिया में। देख लीजिए कौन कौन से बोट्स, किस किस तरह के बोट्स आप लोग यूज करते हैं, फिगर आपके पास होगा। कुछ मोटर बोट्स भी यूज करते हैं, कैनन्स भी यूज करते हैं आप, ये पाल वाला सैल बोट भी यूज करते हैं, या फिर आप रॉ बोट्स जो सिंपल बोट्स है ये तरह का, या फिर राफ्ट ये जो बनाते हैं। तो इस तरह के आप जो फिशिंग जो है आपके आपके क्राफ्ट जो है वो इनलैंड फिशरी में यूज होते हैं। अब इनलैंड फिशरीज की अगर हम फिशिंग गियर की बात करें तो इनके पास जो हमारे पास जो होते हैं, देखिए किस किस तरह के जाल होते हैं, बीम जाल। बीम जाल जो होता है वो देखिए किस तरह का होता है, बीम जाल की अगर हम बात करें, दिस इज बीम जाल। आप देखिए बीम जाल या वेयर जाल इसको कहते हैं, एक देखिए कितना बड़ा सा एरिया को कवर करके एक बार फेंक दिया गया और दोनों तरफ से लोग पकड़ के खींच के और इसके बीच में जितने मछलियां होंगी ग्रैब करके पकड़ ली जाएंगी, तो इस तरह के जाल बीम जाल या वेयर जाल कहलाते हैं। उसके अलावा नीचे भी देखिए उसी चीज को आपको दिखाया गया है कि कैसे आप, या ड्रैग नेट जिस तरह से ड्रैग जाल कर रहे थे उसको भी आप इस तरह से यूज करते हैं, तो ये बीम जाल टाइप के होते हैं। फिर आप देखिए कलपट्टा जाल, खलपट्टा जाल जो होता है बहुत फेमस है सुंदरबन एरिया में, वहां पर ब्लैक वाटर जो होते हैं उस एरिया में बहुत फेमस है और वहां पर मछलियों को कैप्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद चंदाई जाल, बेर जाल,
कारल जाल, ये डिफरेंट टाइप के जाल हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जाल, अलग अलग तरह के जाल आपके जो है फिशिंग के रूप में आपके लोकल एरिया में भी यूज किए जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के नेम है, आप देख लीजिए इनमें सारे के सारे नेम, और सभी के यूज जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे आप अगर सिंपल बात करें, ये देखिए आपका, ये आपका एक नेट वॉल जो है, या नेट वॉल वो कैसे यूज करते हैं, उसका एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन दिखाया हुआ है, इसको आप देखते हैं। या फिर देखिए नीचे यहाँ पर भी आप एक जो आपका दिख रहा है आपका, कि ये आपका है संगोल जाल, ये जाल पानी के नीचे डाला गया और धीरे धीरे दोनों मछुआरे जो हैं इसको किस तरह से ड्रैग करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इससे धीरे से आराम से पकड़ के मछलियां को उठा लेंगे। तो ये इस तरह के जाल आपके यूज होते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका टर्की जाल, इसमें भी देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े से बांस को नीचे से आपने बैंबू से बांध दिया है, उसके क्या हुआ कि वो एक फैला हुआ क्षेत्र बन गया और पीछे बंद है, और आप आराम से रिवर में चलाए जा रहे हैं नाव को, और उसके अंदर जितने भी पानी फ्लो होता जाएगा उसके उसमें मछलियां फंसती चली जाएंगी, एक बार आप उठाएंगे मछलियों को पकड़ लेंगे। उसके अलावा आप देख लीजिए ये सब आप जो है लिफ्ट नेट या डिप नेट का यूज करते हैं, सीधे डुबाते हैं उसको ऊपर खींचते हैं, उसके अंदर में फंसती चली जाती है मछलियां, और इस तरह भी आप यूज करते हैं इसके लिए फिशिंग के लिए, कहा इनलैंड पे। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो कौन कौन से जो हमारे पास, हमने देखा तो हमारे पास क्या देखा, हमने क्राफ्ट को देखा और गियर्स को देखा। क्राफ्ट हमारे के लिए बेसिकली कौन कौन से क्राफ्ट हो जाते हैं, बोट्स जितने तरह के होते हैं, यानी जिससे हम फिशिंग स्पेस तक पहुंचेंगे ऑल क्राफ्ट, और जिस चीज से हम लोग फिश को पकड़ेंगे ऑल गियर्स। तो जिस चीज से भी पकड़ने, वो बंसी से पकड़ेंगे किसी, ऑल गियर वो गियर्स है, और ये बनाएंगे किस चीज से, तो ये बनते हैं देख लीजिए पॉलीमैड, पॉपुलरली कॉल्ड नाइलॉन, नाइलॉन से बनाते हैं, टेरेलिन या टेराकोटा से या डेक्रॉन से बनाते हैं। उसके अलावा देख लीजिए टेरॉन है, इनवेलॉन है, इससे बनता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल आपका ट्रेड है, विनाइलॉन है, इससे बनता है। उसके बाद आपका ओरियन या डेलरॉन, इसके भी जाल आपके बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स हैं जिससे कि आपके जाल्स जो है, गियर्स जो है वो बनाए जाते हैं, आपके गियर्स जो है तैयार होते हैं। और आपने देखा ही है कि आप जो है सो क्राफ्ट के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पर लोहे के भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं इस जगह पे, आपके किस चीज के लिए, क्राफ्ट के गियर्स को बनाने के लिए। अब बात करते हैं, हमारे पास एक और बहुत बड़ा चीज होता है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या आता है, तो इनका प्रिजर्वेशन हम गियर्स का कैसे करें। हमने जो गियर्स यूज किया, यानी जो भी हम पकड़ने के लिए जाल वगैरह जो यूज करते हैं, अगर उसको हम प्रिजर्व नहीं करें तो बहुत जल्दी फटेंगे, और बहुत जल्दी फटेंगे और उनका लॉस होगा तो हमारे फिशरी में लॉस होगा। तो उसको बचाने के लिए हम जितने भी तरह के जो हम गियर यूज करते हैं, जितने भी टाइप के गियर यूज करते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए उनको प्रॉपरली उनको सुखाते हैं, एक बार फिशिंग करने के बाद उससे मटेरियल को क्लियर कर लेते हैं, उसमें से सारे चीज को, ऑर्गेनिक मटेरियल को और फिश को वहां से निकाल लेते हैं, या जो भी गंदगी है उनको हम साफ कर लेते हैं, कॉल्फोर सल्फेट से उसको क्लीन करते हैं। उसके अलावा उसको डायरेक्ट सनलाइट में लंबे समय तक छोड़ते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में जब हम लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी हार्मफुल चीजें, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रो करने वाले हैं, या फिर बहुत ऐसी चीजें हैं, वो चीजें खत्म हो जाती हैं, या फिर जो चीज उस पर्टिकुलर मटेरियल को लॉस पहुंचा सकते हैं, उन मटेरियल को जो है उसके लॉस से भी ये बचाता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये सारे के सारे मटेरियल्स जो है, इनको हम लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। या फिर एक और चीज होता है कि इनको 1% का जो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, उस पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है ये वुड राज के साथ हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारा ये प्रिवेंशन होता है नेट को हमको डैमेज से बचाने के लिए। तो हमारा जो फिशिंग गियर्स है, टोटल ऑल फिशिंग गियर्स आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेशन करने के लिए। नाउ थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स टू ऑल। आज का आपका जो है टोटल फिशिंग गियर्स एंड फिशिंग क्राफ्ट्स, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से फिशिंग गियर्स हो सकते हैं, कौन कौन से फिशिंग क्राफ्ट हो सकते हैं, मेराइन फिशरी में कौन हो सकते हैं, इनलैंड फिशरी में कौन हो सकते हैं, एंड देन उनके जो कौन कौन से गियर हो सकते हैं, और उन गियर्स के आपके जो प्रिकॉशन मेजर्स होंगे, क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स आप रखेंगे गियर्स के साथ, वो आपने देखा। और उसके बाद आपने देखा कि उनका आप प्रिवेंशन कैसे, उनको बचा कैसे सकते हैं फर्दर। तो इसके साथ ही आज का आपका ये क्लास इसके साथ में एंड करता है। थैंक यू, मैं इस शेयर को एंड करता हूँ, और उसके बाद आपको, आप लोगों को मैं